हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आईसीआर 2021 सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर रिलीज हो चुका है, तो आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर के बारे में, किस किस टाइप के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और आगे प्रोसेस क्या है और कितने टाइप के यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे जिनको अलॉटमेंट लेटर मिला और नहीं मिला होगा। ठीक, आगे स्टेप आपको क्या करना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इस अलॉटमेंट लेटर के बारे में। तो ऐसे विद्यार्थी सबसे पहले बात करते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट मान लो अगर नहीं हुई है, ऐसा है कई विद्यार्थियों के साथ में। ठीक, हो सकता है उनको सेकंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई होगी। अगर उनको फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड नहीं मिला, उनको केवल जो है थर्ड राउंड अलॉटमेंट लेटर का केवल आपको वेट करना है। हो सकता है आपको कोई भी रैंक के हिसाब से कोई कोर्स, कोई यूनिवर्सिटी थर्ड राउंड में आपको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट हो, ठीक, केवल वेट कर सकते हैं, चूंकि ऑलरेडी आप लोग चॉइस फिलिंग भर चुके हैं। अब आप कोई भी स्टेप नहीं करना, कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाना है, केवल आप इसमें जो है थर्ड का वेट कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जिनको पहली बार कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर अलॉट हुई है, यानी फर्स्ट में अलॉट नहीं हुई थी। हो सकता है कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जिनको सेकंड राउंड में कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है। ऐसे विद्यार्थी बी टाइप के लोग जिनको कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, तो कितने रैंक पर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, ठीक है, और आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, इसको आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि ये पता चल पाएगा सेकेंड राउंड का कट ऑफ कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं और इसमें क्या क्या कहानी है, कौन कौन से लोग, किस किस टाइप के लोग इसमें होंगे। ठीक, तो देखिएगा, अब आप लोग सोचेंगे हम ऐसे लोग हैं जिनको कोर्स मिला हुआ है, हमें यूनिवर्सिटी मिली, आगे प्रोसेस क्या करना है, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये लोग बी टाइप के लोग हैं जिनको कोई भी यहाँ पर पहली बार जो है कोई कोर्स, यानी BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो भी कोर्स, और आपको यूनिवर्सिटी कोई अलॉट हुई है, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है आपको अलॉट हुई है, तो आप क्या करना होगा, केवल यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपको एडमिशन लेना है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, फर्स्ट स्टेप। जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे, तो वो यूनिवर्सिटी, यानी जहाँ एडमिशन आप चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी इसको वेरीफाई करेगी। ठीक है, वेरीफाई करेगी, आप लोग शेड्यूल देख लीजिएगा, क्योंकि शेड्यूल में पूरा डेट दिया हुआ है। कुछ कई बार ऐसा होता है शेड्यूल कुछ जो है एक्सटेंड भी होता है, ICR जो क्या करती है, कुछ जब काम ऑनलाइन नहीं हो पाता टाइम पर, तो वो डेट को बढ़ा भी देती है। तो आप लोग अपनी जो वेबसाइट है ICR exam.net, उस पर आप अपडेट रहिएगा, ताकि चीज़ें प्रोसेस में चलते रहो, अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आपके वेरीफाई करेगी, वेरीफाई जब करेगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सीट एक्सेप्टेंस और उसके उपलक्ष्य में आपको 10,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ठीक, वीडियो इसी के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा कि प्रोसेस क्या क्या करना होता है, हम लिंक लगा देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, अगर आप मान लीजिएगा सीट चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 10,000 फीस जमा करनी पड़ेगी, और अगर आप इसमें वही यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं, तो केवल आप जो रीमार्क में एडमिटेड लिखा हुआ था उसमें आप टिक कर देना है। ठीक, एडमिटेड जो लिखा रहता है उसमें केवल आपको टिक कर देना है, अगर एडमिशन लेना। तो अगर सपोज आपको अभी भी वो कोर्स, वो यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुई है, हालांकि सेकेंड एक वीडियो थोड़ी सी मुझसे गलती हुई थी, मैं बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर सेकेंड थर्ड के लिए अलॉट वो अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एडमिशन चाहते हैं, तो रीमार्क में आप एडमिट टिक कर देना है। अगर एडमिशन चाहने के बाद आप जो है अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको अपग्रेड का, आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं अपनी सीट को, और ये फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। यानी आप अपग्रेड करना है कि तब भी, या आप एडमिशन लेना चाहे तब भी, आपको फीस 10,000 जमा करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ भी लोग सोचेंगे, मान लो हम अगले मान लो यहाँ पर सेकंड हमने अपग्रेड कर दिया, अब थर्ड में क्या होगा, तो थर्ड में आपको अपग्रेडेशन करने के बाद जो यूनिवर्सिटी मिलेगी, तो ये जो आपकी फीस है, उस यूनिवर्सिटी जो वो फीस होगी, वो इसमें से आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक, सपोज तौर पर आपको यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी मिली है, मान लो आपको चौधरी चरण सिंह मिला, CCH HAU हरियाणा वाला, ये मिला हुआ आपको। ठीक, अब आपको अपग्रेड कर दिया इसमें, तो अपग्रेड करने पर मान लो हमको GE पंत यूनिवर्सिटी मिल गई। ठीक है, तो हो सकता है कि इसकी जो फीस है, मान लो यहाँ पर फीस 70,000 है। ठीक है, इसकी फीस आपकी 70,000 है, तो ऑलरेडी आप फीस कितनी जमा हो चुकी, 10,000, तो इसकी ये फीस माइनस होकर आपको यहाँ पर केवल 60,000 फीस जो है वो जमा करनी होगी। ठीक, ये तो बात हो गई यहाँ पर वो विद्यार्थी जिनको पहली बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है, कितने रैंक पर, तो उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वेरीफाई करेगी फीस एक्सेप्टेंस, मैंने बता दिया यहाँ पर रीमार्क ऑप्शन, अगर एडमिशन लेना है तो एडमिट पर टिक कर देना है, अगर अपग्रेड करना है तो आपको टिक नहीं करना है, केवल अपग्रेड करना होगा।
ठीक, ध्यान रखें। लेकिन फीस आपको यहाँ पर 10,000 जमा करनी होगी, पहली बात ये होगी। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से अपग्रेड कर चुके थे, अगर वो चाहते हैं तो फिर से हम थर्ड राउंड अलॉटमेंट के लिए भी अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात होगी तीनों विद्यार्थियों के टाइप में, जिनको नहीं मिला है वो थर्ड का वेट करेंगे, जिनको मिला है वो पूरा प्रोसेस ये है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फीस जमा करनी पड़ेगी आपको, और ये फीस जो है वो अगली यूनिवर्सिटी में मिलेगी। हाँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको अपग्रेड करने पर कोई यूनिवर्सिटी प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, उनको क्या काम करना है, उनको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर उनके उसमें अपडेट रहना है, ठीक है, फ़ोन भी कर लेना है या फिर उसमें अपडेट आएगी। मान लो कोई यूनिवर्सिटी आपको अलर्ट हुई थी और आपको उसमें फाइनल एडमिशन तय कर लिया, हमको मान लो ऐसे विद्यार्थी जिनको मान लो, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था मनीष कुमार हरियाणा का, तो उसको जी पंत यूनिवर्सिटी पहले नहीं मिली थी, पहले उसको यूएस बंगलोर मिली थी, इसके बाद उसने अपडेट करवाई, उसको जी पंत यूनिवर्सिटी मिल गई। तो मान लो सपोज आपको जी पंत यूनिवर्सिटी आपने फाइनल कर ली, ठीक, तो क्या काम करना हो, केवल इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है आप उसके टच में रहना है और इसके कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक, कब हमारा जो है ऑफलाइन हमें आना है यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टडी के लिए, कब आपके हॉस्टल अलॉट होंगे, कब आपका जो है क्लास चलेंगी, तो वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहिए, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा सा बनाने में लेट हुआ चूँकि ऑफलाइन क्लास दिन में रहती है तो मैं टाइम कम निकाल पाता हूँ, मिल ही कम पाता है। ठीक है, तो ये जो है छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए, बाद बाकी हम एक लाइव सेशन में आपके जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।